प्यार से नहीं हो सकता, प्यार पूरी जिंदगी नहीं रहता। बस में अगर करो, किसी भी व्यक्ति को अगर बस में करो तो कैसे कर सकते हैं? इतने लोग बैठे हो, अच्छा कोई एक बताओ, आदमी को, इंसान को, कोई भी हो, बस में करो तो उसे कैसे कर सकते हैं? नहीं हो सकता। विश्वास भी आदमी एक ना एक दिन तोड़ ही देता है। जिंदगी बहुत बड़ी होती है, लोग इतनी जल्दी कसमें खा जाते, बोले अरे मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना मर ही जाऊंगा। वो ये समझते कि चार दिन की जिंदगी है, बस चार दिन में जो हुआ वो हुआ, ठीक है। अच्छा एक बात और बताइए, बाय चांस किसी पे आप भरोसा करते हैं, तो भरोसा अगर वो तोड़ दे तो कितना कष्ट होता है, लिमिट से ऊपर। किसी से आपने कोई आस लगाई और वो आस आपकी तोड़ दे तब भी बड़ा कष्ट, और जिससे आपने ना आस लगाई ना जिस पे भरोसा था वो खूब रोज तोड़े कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इंसान को बस में कैसे किया जाए? इंसान को अगर बस में करना है तो आप उस इंसान की कमजोरी पकड़ लीजिए। इंसान की आपको अच्छे से पता है कि ये किस चीज से भाग नहीं सकता, तुम ना इंसान की कोई कमजोरी हो वो पकड़ लो, फिर वो कहीं नहीं जा सकता कितनी भी कोशिश करे। ऐसे ही भगवान की एक कमजोरी है, वो है भक्त का रोना। भक्त जहां रो गया समझ लो भगवान बस में हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि जिन पे ज्यादा संकट आ जाए, ज्यादा चिंता हो जाए, तो लोग कहते हैं कि पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए हमने तो भगवान हमें इतनी तकलीफें देता है। अब एक बात बताइए दादा, जैसे 10 बच्चे खेल रहे गली में, आपके द्वार पे 10 बच्चे खेल रहे, उसमें एक आपका बच्चा है, सिर्फ एक। अब आप उन बच्चों को देख के खुश हुए तो कोई टॉफी बिस्किट या चॉकलेट जो भी लेके आए तो आप सबको देंगे, अकेले अपने वाले को नहीं दे सकते, है ना? सब इकट्ठे हैं तो सबको देंगे। और जब उन बच्चों पे तुम्हें गुस्सा आ जाए हद से ज्यादा, तो आप मार किसको सकते हो? जो अपना है। 10 खेल रहे आप खुशी से सबको दे सकते हैं चॉकलेट बिस्किट, लेकिन जो गुस्सा आएगा तो आप खुद के ही बच्चे को मार सकते, ना कि जो पड़ोसियों के खेल रहे हैं। ऐसे ही भगवान हैं, जिसे वो अपना समझते हैं उसे ही दुख देते हैं, और जानते हैं कि ये दुख मेरा झेल लेगा। सुख तो सबको दे सकते हैं, लेकिन दुख उसे देते हैं जिसे भगवान अपना मानते हैं, जिस पे पूर्ण भरोसा होता है कि ये मेरी दी हुई परेशानी को झेल सकता है। भगवान गोवर्धन के पूजन के लिए तैयार करते हैं सबको, बोले बाबा और ये 100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं अमन राजपूत भैया, नंगला गाड़ी से आए हुए, भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, धन के भंडार गोविंद भरते रहें, यही अभिलाषा और आकांक्षा है, भगवान हमेशा सतबुद्धि देते रहें। बोलीवाल कृष्ण भगवान की, बोले बाबा जी दुनिया बड़ी बेढंगी है। क्यों? अच्छा इतनी बेढंगी दुनिया है महाराज, और सबसे ज्यादा अगर कोई ढोंग पालवे की आदत है तो माताओं को है। आजीवन पालन पोषण है
इस कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को श्री इंद्र देव का पूजन है। आज इंद्र का पूजन होगा। भगवान बोले, बाबा इंद्र को पूजन तो करोगे? इंद्र ने कबो दर्शन दे? बोले ना ही दे। बोले जब दर्शन ना ही दे तो ऐसे देवता की पूजा ही मत करो, हम बता रहे उसकी पूजा करो। किसकी? जिस पर हम लोग विचरते हैं और गौए बछड़े चरते हैं, जिसके कारण हम ब्रजवासी दिन रात किलोले करते हैं। आज गोवर्धन का पूजन होना चाहिए। परीक्षित बोले, जब बताओ महाराज, अच्छो खासो पूजन होवे को जाय रहो इंद्र को, काय को रोके दो? तो बोले, जिस समय त्रेता युग चल रहा था और त्रेता युग में समुद्र का पुल बन रहा था, तो वहां पर पत्थरों की जरूरत पड़ी, तो हनुमान जी ने जो पर्वत उठाओ लेके चल रहे, तब तक खबर पहुंच गई कि जो जहां से आ रहा है वो वहीं पर रख दे, क्योंकि पुल बन चुका। अब ये पर्वत बीच में रख दिया गया तो ये रोने लगा, बोले महाराज न इधर का रहा न उधर का रहा, आपने बीच में डाल दिया। भगवान बोले कि रोय मती, मैं द्वापर में तेरा पूजन अवश्य कराऊंगा। आज भगवान गोवर्धन के पूजन के लिए कहने लगे और कहते हैं कि भगवान के सामने कोई भी जरा सा भी रो दे। अच्छा एक बात बताओ, इंसान